अगर किसी ने नोटिस किया होगा मैं एक ही टी शर्ट पहना है ऑलमोस्ट 10 साल. अच्छा. कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि कंप्यूटर बंद कैसे करते हैं. तो मैं अभी जनता को पूरी तरह से बनाता हूँ कि पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या है SEO 8 and RIP का. तो बेसिकली सो हाय गाइस, वेलकम टू द 4th एपिसोड ऑफ गेमर्स पॉडकास्ट. और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ है और कोई नहीं बल्कि SEO 18 RIP. आज हमने इनसे काफी सारी बात करे हैं अबाउट गेमिंग, अबाउट माइनक्राफ्ट एंड अबाउट इंडियन गेमिंग कम्युनिटी. काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, एंड तक जरूर देखना. साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया, और इस वीडियो पे टारगेट 10,000 लाइक्स का आई होप आप करवा दोगे. आपका लाइक चैनल स्टार्ट करने का कहां से मन करा? मेरा तो अजीब यही प्रॉब्लम था मेरे यहाँ पे. मेरे सारे यहाँ पे सब लोग जो गेम्स के थे ना, वो गेमिंग के सब अलग अलग फैंस, लाइक CS खेल रहे हैं सब लोग. मुझे CS मतलब पसंद है. वन टाइम मैं दोस्तों के साथ अगर कैफे में, हमारे तब कैफे बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, बहुत ज्यादा पॉपुलर थे. पता है वो एरा था एक, और PC कर के मैंने 6 साल इंतजार किया पता है PC के लिए. अच्छा. कि मुझे PC चाहिए, मतलब 4th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक मेरा सिर्फ यही ख्वाब था कि मुझे PC चाहिए. और फिर फाइनली 10th के बाद कंप्यूटर आया. पहले ही दिन पता ही नहीं है भाई कंप्यूटर बंद कैसे. कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि कंप्यूटर बंद कैसे करते हैं. मैं सोचने लगा यार डायरेक्ट प्लग बंद ना करना होता है क्या, क्योंकि स्कूल में तो यही होता था डायरेक्ट प्लग बंद. कोई घंटा नहीं पता, मुझे पता ही नहीं विंडोज के अंदर स्टार्ट में जाके शट डाउन का ऑप्शन होता. और तब जो हम लोग इरिटेड हुए, मतलब मैं और मम्मी, ये बंद कैसे करते हैं, ये ऐसे चालू ही रहेगा दिन भर वगैरह वगैरह, हम लोग ऐसे इरिटेड. और तब मैंने रियलाइज किया कि मैंने इतने साल लोगों का 6 साल कंप्यूटर देखा है, गेम्स देखे है, और मैंने कभी बंद करने कंप्यूटर सीखा पर बंद करना सीखा नहीं यार. फिर वो PC को मैंने सीखा कि कैसे वर्क करता है वगैरह वगैरह सारी चीजें. उसके बाद आई गेस मेरा ट्यूशन में कोई तो था एक्स्ट्रा, होता है ना कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद, उस बंदे ने मुझे CD दिया फॉरगॉटन सैंड्स का, प्रिंस ऑफ पर्शिया फॉरगॉटन सैंड्स, और वो मेरा पहला गेम था. और वो जो मैंने दिल से खेला ना, कि वो गेम में स्टोरी अभी में देखा जाए तो उसकी स्टोरी बहुत डल थी देखा जाए तो, पर तब के टाइम पे वो मेरे लिए ऐसे थी कि दिस इज द गेम मेरा, मतलब तो मतलब ना, उसी के बाद से लाइक मन किया वीडियोस वगैरह डालने का ना. वो तो शुरुआत, मतलब ये तो गेमिंग का शुरुआत हुआ मेरा कि अभी गेम्स मुझे पसंद है. फिर मैंने सीखा कि टोरेंट से गेम डाउनलोड कैसे करते हैं, सारा पायरेसी भाई, फुल पायरेसी. जैसे गेम रिलीज होता है, जैसे ही उसका क्रैक वर्जन आ जाता है, डाउनलोड, क्रैक वर्जन आ गया डाउनलोड. स्टोरी पे सारे खेल लिए थे मैंने, मतलब सारे असैसिन क्रीड मैंने रट्टा मार लिया भाई, स्टोरी पूरी रट्टा है मुझे. गेम्स की स्टोरी इतनी ज्यादा ऑसम होती थी यार असैसिन के. और SEO जिसका मतलब फेवरेट असैसिन सबका, उसमें बोल दिया होगा, पर मैंने अभी ऐसे ठान लिया कि नहीं 1 मिलियन पे मैं Q&A वीडियो बनाऊंगा और सबको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों SEO 18 RIP है और क्यों मैं ग्रीन टी शर्ट पहनता हूँ. इतने सालों से एक ही टी शर्ट पहनता, आज मेरा अलग है. अगर किसी ने नोटिस किया होगा मैं एक ही टी शर्ट पहना है ऑलमोस्ट 10 साल. अच्छा, ये क्या मिस्ट्री है, तो देखनी पड़ेगा उसका भी एक रीजन है, वो भी मैं बता दूंगा जब 1 मिलियन वगैरह हो जाएंगे तब. और फिर फाइनली डार्क सोल की वजह से, और जब मैं फंसा ना गेम्स के अंदर, तब मैंने यूट्यूब का आविष्कार हुआ मेरे लाइफ में कि भाई गेम अभी पार कैसे करूं. तब आपने वॉक थ्रूज देखे शुरू करे होंगे. वॉक थ्रूज देखा मैंने कि कैसे पार करते वगैरह. और मैं देख रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स तो नल्ले ना करे, सब CS की बातें कर रहे हैं कि आज मैंने हेडशॉट मारा, एम किया, वो किया, आज मैंने 5 मारे वगैरह वगैरह. और मेरे दिमाग में तो अलग ही प्रिंस ऑफ पर्शिया, असैसिन क्रीड में ये हो रहा है. और ये सेम सवाल YouTube के कमेंट सेशन में बंदों को आते थे. तो फिर मेरा दिमाग ऐसे हुआ भाई ये लोग असली गेमर्स है. मतलब मेरे हिसाब से, मेबी मेरा डेफिनेशन अलग हो सकता है गेमिंग का, मेबी दूसरों का अलग हो सकता है. मेरे डेफिनेशन के हिसाब से गेमिंग जो है
उसके हिसाब से वो असली गेमर्स है जो एक्चुअली में गेम्स देख रहे हैं और एक दूसरे को क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई ये उन्होंने कैसे किया। लगा मार्वल के गीक होते हैं ना वैसे, हाँ, गेमिंग के नर्ड्स तो होते हैं ना, वो उस कमेंट सेशन में उस कम्युनिटी को देख देख कर ही आपको मन किया लाइक चैनल बनाने तो का। मैंने कर दिया, मैंने ये नहीं सोचा कि आजकल यूट्यूब चैनल लोग बनाते हैं तो बहुत स्ट्रेटेजी करते हैं ना कि क्या करना है वगैरह वगैरह। मैंने ऐसे ही यूट्यूब चैनल बना दिया, नाम भी ऐसे ही मुझे कमेंट चाहिए जो मुझे गेम्स के बारे में बातें करे। मतलब आपको कम्युनिटी बनानी थी एक स्ट्रॉन्ग जहाँ पे सब लोग आगे गेम्स की बात करें। मुझे दोस्त चाहिए थे जो मेरी तरह गेम्स में इंटरेस्ट है क्योंकि यहाँ पे घंटा कोई नहीं था। अच्छा वैसे मैं सोच रहा था नेक्स्ट राउंड पे चलते हैं। नेक्स्ट राउंड जो है वो गेम ट्रिविया का है, उसमें बेसिकली मैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछूंगा माइनक्राफ्ट से रिलेटेड एंड आपको आंसर करना है। माइनक्राफ्ट से रिलेटेड मत पूछो, मुझे माइनक्राफ्ट नहीं आता। देखा जाए तो मैंने माइनक्राफ्ट खेलना चालू किया था 2019 में, मुझे कुछ नहीं पता माइनक्राफ्ट का अभी भी। देखो सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं ना आप खेल ही रहे हो माइनक्राफ्ट की सीरीज तो बना ही रहे हो काफी टाइम से, लाइक 2-3 साल तो हो गए, क्या पता आप आंसर कर दो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे 3-4, ठीक है तो मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि अगर आप शीप को शेयर करो तो वो कितने वूल ड्रॉप करती है, 1 से 2, 2 से 3, 0 से 2, 1 से 3 या 1 ड्रॉप करते मर जाती है? 1 से 3 ही होगा। अच्छा। 2 करते हुए मैंने देखा है शायद, 3 का तो मुझे पता भी नहीं है, शायद 1 तो करती ही है या फिर 2 करती होगी, 3 भी नहीं करती होगी, मे बी देहदली करती होगी। जाओ पहले बोलो ना 1 से 3 वो बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब ये तो मैंने देखा है, मैं तो क्विज वेबसाइट से उठाया क्वेश्चन, आपको भी नहीं पता मुझे भी क्योंकि नहीं पता, 2 क्योंकि मैंने होते हुए देखे, 3 मैंने भी नहीं देखे। अच्छा तो मैं भी होता होगा। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं कि ज़ॉम्बी की सबसे रेयरेस्ट थिंग जो उसने ड्रॉप करी हो, ठीक है उसके ऑप्शंस हैं कैरेट, पोटैटो, कोल, बीटरूट, ब्रेड। आई गेस कैरेट होगा। अच्छा नहीं, पोटैटो है सही ऑप्शन। पोटैटो कोई भी ड्रॉप करता है यार, वो तो इन्फेक्टेड पोटैटो होता है, आई डोंट नो, पकवास है माइनक्राफ्ट। ठीक है तो फिर ये है कि अगला क्वेश्चन है कि सेकंड टफेस्ट ब्लॉक इन माइनक्राफ्ट, पहला नहीं मोस्ट टफेस्ट नहीं बट सेकंड टफेस्ट, वेदर स्कल, ग्लोस्टोन, बेडरॉक, रेडस्टोन और ऑब्सीडियन। मतलब बेडरॉक है ना, मतलब फिर ऑब्सीडियन होगा, ऑब्सीडियन टूटने के लिए बहुत टाइम लगता है। अरे मैंने गलत किया है, बेडरॉक में ऐसे नहीं करना चाहिए था थोड़ा, क्योंकि बेडरॉक सबसे टफ है तो उसके नीचे आई गेस ऑब्सीडियन ही होगा। जब बन रहे थे लाइक गेम बन रहा था माइनक्राफ्ट तब क्रीपर्स ओरिजिनली क्या होने वाले थे, पिग्स, ज़ॉम्बीज, काउस, कुछ नहीं क्रीपर्स ही होने वाले थे या शीप? मुझे इतना तो पता है कि वो एक्सीडेंटली बने नॉच के यहाँ से, प्रोग्राम में एरर होने की वजह से, पर वो क्या बनाने वाला था वो नहीं पता मुझे। अच्छा नहीं पता। तो ओरिजिनली ये होना था कि पिग बनाए गए थे बट उसमें कुछ डायमेंशंस में गड़बड़ कर दी उन्होंने, ऊपर नीचे कर दिया और क्रीपर बन गए। पर क्रीपर कुछ भी एंगल से पिग नहीं लगता, कुछ भी एंगल से। वो ऐसा था कि लाइक पिग जो होता है वो जमीन पे ऐसे हॉरिजॉन्टली होता है, क्रीपर वर्टिकली होता है, तो वो जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के डायमेंशंस थे ना वो उल्टे कर दिए थे, तो वो खड़ा हुआ जो पिक था ना वो उनको इतना स्ट्रेंज लगा उन्होंने उसे अलग वो बना दिया, क्रीपर बना दिया। हाँ भाई क्रीपर सबसे यूनिक मॉब है ना देखा जाए तो, बाकी सारे मॉब्स कहीं ना कहीं से ढापे हुए हैं, इवन एंडरमैन भी, मैंने आपकी वीडियो में देखा था एंडरमैन स्लेंडरमैन से कनेक्टेड है, फर्स्ट वाला जो कॉन्स्पिरेसी वाला वीडियो था जिसके ऊपर मैंने रिएक्ट किया। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ना एक छोटा सा रैपिड फायर का राउंड है, देखो उसमें सिंपल कंसेप्ट है, 10 क्वेश्चंस है और 60 सेकंड्स, बाकी आप समझ जाओ। ओके। फेवरेट एनीमे जो आपने आज तक देखी हो? नारुतो। बिगेस्ट रिग्रेट इन यूट्यूब टिल नाउ? कि मैंने कभी एल्गोरिथम से फोकस किया ही नहीं, सिर्फ कंटेंट बनाते गया। टफेस्ट वीडियो जो आज तक बनाई है आपने, सबसे मुश्किल वीडियो? आई गेस हार्डकोर 100 डेज वाला। अच्छा अगर मौका मिला पास्ट में जाओगे या फ्यूचर में जाओगे? नहीं यहीं पे रहूंगा। 12th क्लास में कितने आए थे? 12th क्लास में 78। वियर्डेस्ट फूड आइटम जो आपने? 12th, ये तो 10th के हो गए, 12th में 54। ठीक है। वियर्डेस्ट फूड आइटम जो आपने खाई हो रियल लाइफ में? मक्खी है, मुंह में गई थी मैंने, मैं खा दी। तुम्हारा हिडन टैलेंट जो अभी तक, तुम्हारा हिडन टैलेंट जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया हो? गिटार। वियर्डेस्ट गेम जो आपने चैनल पे खेला अपने? आई गेस एक कोई तो सिम्युलेटर था जिसके अंदर हम लोग को ऑफिस में काम करना पड़ता है, पर वहां पे हम लोग अचानक से लड़की के साथ हुकअप हो जाते। ये कौन सा गेम है? अजीब गेम है इसलिए तो।
ठीक है, हो गए 60 सेकंड्स तो पूरे हो गए, लेकिन आपने आंसर कर दिए लाइक 8 क्वेश्चंस के, तो विच इज नॉट बैड, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी किए हो गए ना 60 सेकंड पूरे हो गए। आपने कितना स्लो बोलते हो आप, मैंने कितने फास्ट बोले क्वेश्चंस, अटर दो क्वेश्चन क्या थे बल्ला। चलो चलो दो क्वेश्चन और पूछता हूं। अब फिर ये मत कहना क्यों पूछे। हां, कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं अभी तक? दो हो चुके हैं पर अभी कोई नहीं है, करंटली नहीं है। नहीं, महीने का कितना कमाते हो वो कौन बताता है मैन। तो मेरे, मैं अभी जनता को पूरी तरह से बनाता हूँ कि पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या है एजियोटन रिप का। तो बेसिकली मेरा जीवन ही गेम है भाई, मुझे सिर्फ और सिर्फ गेम खेलना इज लाइक अ मेन मोटो जिंदगी का। मतलब बाकी फेम वगैरह बाकी सारी चीजें इज लाइक अ बहुत ज्यादा वियर्ड और अजीब वगैरह चीजें, बिकॉज लिटरली मतलब मुझे तो पैसे भी नहीं मिल रहे थे जब मैंने यूट्यूब करना चालू किया। तो इज लाइक अ वियर्डेस्ट स्टफ एवर कि आजकल लोग बहुत ज्यादा सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, पर इतना ज्यादा जरूरत नहीं होता। अगर आप ड्रीम के पीछे भाग रहे हो ना, अपनी जो ड्रीम है, तो इतना ज्यादा पैसा नहीं मायने कर रहा, बिकॉज कितना भी कर लो, कितना भी कुछ कर लो, इंडिया में किसी से भी पूछ लो भाई, इंडियन पेरेंट्स आर सो कूल। वैसे भी हम लोगों को भूखा नंगा नहीं रखने वाले पेरेंट्स वगैरह, तो खाने की चीज़ें हो जाती थी। मैं लिटरली महीने के 400 रुपये वगैरह कमाता था यूट्यूब से, 10 साल मैं सिर्फ 400 रुपये कमा रहा हूँ महीने के। लिटरली लोग दिन के कमाते हैं भाई इतने सारे पैसे, पर स्टिल वो जो होता है ना मोटिवेशन की, मेरा ड्रीम था कि भाई जीवन में गेम्स खेलना इज लाइक अ जॉब बनाना, इज लाइक अ इसको जॉब बना पाना इज लाइक अ मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट चीज, और वो बना लिया वही एक बड़ी बात है। मतलब मेरा ड्रीम खत्म हो चुका है अभी, मतलब मेरा ऐसे कोई बड़ा ड्रीम नहीं है अभी लेकर मुझे जीवन में करना है, मैंने ऑलरेडी मैं ड्रीम में ही जी रहा हूँ। बस गाइस, यही था आज के इस पॉडकास्ट में, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक एजुएटिंग रिप का चैनल चेकआउट नहीं किया है तो जाइए उनका चैनल को जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। साथ ही साथ इस चैनल पे भी थोड़ा सा प्यार बरसाओ एंड इसको जल्दी से ग्रो करवाओ, सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को भी लाइक कर दो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।